गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं टंगमर्ग, और टंगमर्ग पे यहाँ पे चेक पोस्ट है, इससे 15 किलोमीटर ऊपर है, 15 या 13 किलोमीटर ऊपर गुलमर्ग है, और अभी हम वहीं जा रहे हैं। और जहाँ हम अभी फॉल पे गए थे वो आपने लास्ट एपिसोड देख लिया होगा, उसके बाद हम ये गुलमर्ग जा रहे हैं। तो चेक करेंगे यार गाड़ी, पहले चेक करवा दो गाड़ी। तो यहाँ पे चेकिंग पोस्ट है, चेक करेंगे गाड़ी। वो मज़े ले रहा था हमारे साथ भाई, कह रहा प्राइवेट गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी उनकी। यार ये क्या सीन हुआ है, पहली बार थोड़ी आए हैं, कह लोकल बंदे होंगे गाड़ी में जब जाएंगे। लोकल बंदे बैठे हमारे तो हम तो ड्राइवर है भाई, ड्राइवर है। मैं ना बोला ना भाई आप चेकिंग करो, आप किस्मत। हाँ अरे मजाक करो, मजे ले रहा था। ऐसे नहीं है, प्राइवेट गाड़ी क्यों नहीं जाती, खूब जाती है। हम पिछली बार भी आए थे जब तो यहाँ रोड इसी यहीं पे बर्फ थी इतनी, जब तो इन्होंने मना ही कर दिया था कि बिना चैन के नहीं जा पाओगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग, सब ब्रश कर रहे हैं, मैंने कर लिया। टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे हमारा ब्रश हुआ है आज। सोचो कितनी हम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कितने हम एक्टिक हो रहे हैं। और गुलमर्ग का व्यू दिखाऊं मैं आपको, कितना सेक्सी लग रहा है। पर पिछली बार से बहुत कम बराबर, बहुत ही कम बराबर पिछली बार से। तो चलो आप व्यू देखो, और हम देखते हैं हम कैंपिंग कर यहाँ पे रुके, कैंपिंग करें, यहाँ से जाए, देखते क्या डिसाइड होगा। कोई डिसाइड, हम कहीं कुछ डिसाइड ही नहीं कर रहे, बस जब रात सो रहे थे जब सोनमर्ग का प्लान बन गया था, सुबह उठे तो रास्ते में आते आते सोनमर्ग की जगह गुलमर्ग मुड़ गए, मतलब तो कोई प्लान नहीं देख रहे हम। और अभी आपको दिखाते हैं गुलमर्ग का व्यू थोड़ा सा, बस ज़्यादा अच्छा सा नहीं लग रहा इस बात को मुझे। ये है कुछ नज़ारा गुलमर्ग का भाई, देखो यहाँ पे है नहीं बर्फ, बर्फ ही नहीं है। पिछली बार तो यहाँ सब ढक गया था, रोडें ढक गई थी, अब तो ये देखो चमक भी बड़ी है। और ये होटल्स, और ये वो वहाँ पे आपको दिख रहा है शिवजी वाला, शिवजी टेंपल। मैं गया था समर में, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी समर वाली, समर में गुलमर्ग कैसा लगता वो भी दिखा रखा है मैंने, जाके देखो। विंटर वाला भी दिखा रखा है, सबसे पहला एपिसोड मेरा विंटर का ही था, तो वो जाके देखो, गुलमर्ग का ही था तो जाके देखो। बाकी यहाँ का कुछ नज़ारा था, ये खड़ी अपनी गाड़ी, और अब डिसाइड करते हैं, और अभी डिसाइड करते हैं हमें करना क्या है। हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं वैसे। अभी लाया हूँ मैं मैगी, अभी मैगी बनाने जा रहे हैं। और एक लाए हैं चॉकलेट किटकैट, मन कर रहा था कुछ मीठे खाने का। है पहले पहले छोटा कैसा है? हाँ बड़ा वाला है ना, 40 रुपये वाली। तो अभी हम बना रहे हैं मैगी, फिर उसके बाद देख बन चुकी है कैंपिंग वैन, कल रात फिर उसके बाद जाएंगे घूमने और लोकेशन देखेंगे टेंट लगाने की, कैंप लगाने की। और अभी टाइम हो चुका है 3:20, और सामने बर्फ से भरे हुए पहाड़ और कुछ नज़ारे ऐसे। गाड़ी हमने मोड़ के इधर लगा लिया, और अभी सूर्य देवता छुपते जा रहे हैं, मौसम और तो ज़्यादा खराब, शायद स्नोफॉल भी हो सकती है। कभी मैंने सोचा नहीं था मेरी गाड़ी में तड़के भी लगेंगे। ये देखो ये करण भाई हमारे शेफ हैं, इन्हें खाना बनाना अच्छे से आता है, तो अभी खाना खाएंगे फिर बाद में घूमने जाएंगे बाहर बर्फ में। और जगह देखो यार कितनी प्यारी है, बस ऊपर मौसम थोड़ा ख़राब सा लग रहा है, शायद तो स्नोफॉल भी हो सकती है। वैसे तो दिखा रखी है वो, हमारी किस्मत अच्छी हुई तो मिल भी जाएगी। और सूर्य देवता ढलते हुए
तो गाइस हम आ चुके हैं गुलमर्ग, और गुलमर्ग में मैं तो पहले भी आ चुका हूँ, लास्ट विंटर में भी आया था और लास्ट समर में भी आया था जब लद्दाख गया था, लद्दाख से वापस आते हुए मैं यहाँ पे भी आया था। पहले से ज्यादा बर्फ नहीं है, वो मैंने पहले भी बताया था, पहले से ज्यादा बर्फ नहीं है, अभी तो कम ही है, क्योंकि पहले तो पिछली बार तो इतनी बर्फ पड़ी थी, 25 साल में बाद बर्फ पड़ी है इतनी पिछली बार। अभी आपको दिखाते सीन, और यहाँ पे कुछ ही स्पॉट्स है घूमने लायक, वो मैंने वीडियोस में बताया होगा पहले भी, समर वाली में विंटर वाली, और आपको ये यहाँ लोग बाग ऐसे पकड़ेंगे जो यहाँ के गाइड होते हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, यहाँ साइड लगाओ, ये करो वो करो, और जानबूझ के आपको वो बिठाएंगे। इससे बढ़िया आप बर्फ के जूते लेना, बर्फ के जूते लेके अपना आप घूमना भाई, सब घूम लोगे। मैंने भी पहले पैसे फूके थे पिछली बार जब आया था, इससे बढ़िया हम बर्फ के जूते लेना और सारे साइड सीन अपना आप घूमना, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको बिठा देंगे और घुमा देंगे, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है जैसा आप चाहो। और एक ही मंदिर है शिव जी का ऊपर सामने, वहाँ पे 150 साल पुराना चर्च है, और ये वाइट वॉश है, बस यही है, 2-3 पॉइंट ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। इसके अलावा एक गोल्फ कोर्स है, वो आप अपना आप देख सकते हो अभी, वरना फिर आपको इस पे बैठना पड़ेगा, ये जो चीज़ है ना बर्फ़ की गाड़ी बोलते हैं ये, तो मेरे हिसाब से तो भाई इनमें पैसा वेस्ट ना करो, बर्फ़ के जूते लो, 100-150 रुपये के आपको मिल जाएंगे जूते, और उसमें पहन के आराम से घूमो, बहुत देर तक घूमो, जब मर्जी जब घूमो, और एक दिन के लिए आपके पास जूते होंगे। तो भाई आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आप पहली बार कश्मीर आए हो गुलमर्ग, काफी ज्यादा बढ़िया लगा। आपके लिए व्हाइट वॉश कराया करण भाई आपको, भाई बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत वादियां यहां की, मनमोहित है मनमोहित, आप आइए तो सही कभी, बस किसी गाइड के चक्कर में नहीं पड़ना, अपना आप घूमो, बर्फ के जूते पहन लो, अपना आप घूमो, सब कुछ लेके आना साथ नहीं, यहाँ पे भी रेंट पे मिल जाता है, 100-150 रुपये का जूता मिलेगा, और ग्लव्स आप अपने पास से ला सकते हो, बाकी अपना आप घूमो, सबसे बढ़िया है वो, सबसे बढ़िया है। अब हम अपना आप ही घूम रहे हैं, क्योंकि मैं पहले घूम चुका हूँ इसमें, इसमें कुछ मज़ा नहीं आता भाई, मैं सही बताऊँ तो मज़ा नहीं आता, ये देखो कुछ भी मज़ा नहीं आता, लोगों बस बैठे रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है, उस वो जो 150 साल पुराना चर्च है उसके पास भी एक्टिविटी है, मतलब स्कीइंग है, और बहुत एक्टिविटी है, आप करना चाहो तो कर लेना, बस एक्सपेंसिव रेट बहुत होते हैं यहाँ के, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी यही कमाई का जरिया होता है फिर इसी सीज़न, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट होते हैं, मैंने लास्ट टाइम पता करे थे लास्ट ईयर जब मैं आया था। और बाकी ऊपर मौसम भाई, मैं तो बर्फ़ पड़ने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि न्यू ईयर के दिन, आज के दिन बर्फ़ दिखा कर, क्योंकि तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू माई यूट्यूब फैमिली, लवली फैमिली। और ऊपर बाद मौसम ख़राब हो चुका, और ये चिड़िया तो नहीं है, कौवे हैं कौवे, तो बहुत ही प्यारा सेक्सी मौसम लग रहा है, बस अपने आप से घूमो तो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अभी भाई अलग व्लॉग बना रहे हैं, भाई एडिटिंग पे है अभी, इन्हें व्लॉग डालना है आज। तो एक तारीख आज, और हैप्पी न्यू ईयर हमारा गुलमर्ग में बन रहा है, और यहाँ पे हमारे भाई ऋतिक भाई मौज करते हुए हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो चर्च देख रहे हो आप सामने, ये है 150 साल पुराना, अभी जा रहे हैं, और इधर लाइटिंग बहुत ही प्यारी हो रही है, और ये देखो कितना प्यारा है, तारों के नीचे से हम बन रहे हैं बजरंगी भाई जान, तारों के नीचे से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे गेट से, अभी हम जा रहे हैं चर्च के पास, नहीं मैं नहीं बोलने वाला नहीं भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है, 500 के चक्कर में मेरे को 5000 लगाना पड़ेगा। ऋतिक भाई ऊपर से आ जाओ, सनी देओल बन जाओ पूरे के पूरे। नहीं नहीं, अब कमिंग सलमान खान। सलमान खान नहीं यार, सलमान खान का तो सीन हो गया, वो कैटरीना चलेगी धोखा देके, भाई सलमान खान नहीं बनना, पूरी उम्र शादी नहीं हो पाएगी, थोड़ा गई है तो मैंने करनी भी नहीं है, क्यों वैराग्य अपना दिया, शादी कर ली तो ट्रैवलिंग कौन करेगा? नहीं भाई शादी पक्का कर लेना, शादी करके क्या करेंगे यार, फिर रुको रुकावट आ जाएगी मेरे। अरे ऐसी लड़की से शादी करना जो आपकी तरह ऐसी ना मिले ये मेरी तरह भूखे पूरे 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 दिन भूखे चल सकती है गाड़ी में मेरे साथ ट्रैवल कर सकती है पूरे पूरे दिन भूखा हमारे साथ चलना, खाना नहीं मिलता है, ना चाय मिलती है, चाय भी नहीं मिलती, सुबह उठे गाड़ी बैठे चल दो, पेशेंट रखनी पड़ती है, मिलता सब कुछ लेकिन पेशेंट।
क्या पता जो सुबह मिलना वो शाम को मिलो। भाई ये सब चीज नहीं करनी चाहिए यार, गंदगी अगर खा पी रहे हो अपना मतलब जो भी कर रहे हो तो अपने साथ ले जाओ। देखो बर्फ देखो साफ पड़ी है ना हर जगह से, और ये वाला एरिया देखो यार कैसा लग रहा है। तो अलग ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे, साफ अगर खा पी रहे हो अपने साथ ले जाओ जो भी खा पी रहे हो, पॉलिथीन एक्स्ट्रा ले आओ वो ज़्यादा बढ़िया है। और ये सामने देखो पेड़ों पे हल्की हल्की बर्फ, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, और ऊपर स्नोफॉल पड़ रही है उधर यहाँ पे, रात में यहाँ भी पड़ेगी, हाँ रात में यहाँ भी पड़ेगी। जय माता दी, जय माता दी। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं चर्च के पास, तो ऋतिक भाई अपने आगे जा चुके हैं। तो ये है ओसम प्रॉपर्टी चर्च, जो कि लगभग कहते हैं कि 150 साल पुराना है यहाँ पे। काफ़ी यार काफ़ी ज़्यादा सुंदर प्रॉपर्टी है, आप देख ही सकते हैं। ये जा रहे हैं आगे करण भाई, और उससे आगे ऋतिक भाई जा चुके हैं, और व्यू तो आप देख ही सकते हैं यार, मतलब वैली का व्यू देख लो, पूरी वैली स्नो में ढकी हुई है, और बीच में ये सुंदर चर्च इस वैली को और भी इतना खूबसूरत बना रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी ये है यहाँ की एंट्रिंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइटिंग कर रखी है, तो अपने ऋतिक भाई पहले ही पहुँचे हैं। अभी चर्च बंद है, बंद गया था, तो ऋतिक भाई यहाँ पे। ऋतिक भाई हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तुम बताओ तुम्हारा कैसा, मैं तो पहले भी आ चुका हूँ। हमारा तो बढ़िया ही है, पर इधर चर्च में आने तक का एक्सपीरियंस अभी तक आज चट गई। पाँव में पूरी बर्फ घुस चुकी है, पेंट में भी घुस रही है। और ये सामने है गोल्फ का, मतलब गोल्फ एरिया है, यहाँ पे गोल्फ खेला जाता है, समर में सिखाया नहीं, विंटर में सिखाया जाता है, समर में कंपटीशन वगैरह होते हैं। और इसके सामने है चर्च ये रहा, और ये आप पेड़ देख रहे हो ये वाला, यहाँ पे अनुष्का और शाहरुख खान की कोई पिक्चर थी वो शूट हुई है, मुझे पिक्चर मैं देखता नहीं तो मुझे पता नहीं कौन कौन सी पिक्चर क्या है। और रात का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का पूरे गुलमर्ग का, ये देखो कितनी बढ़िया लाइटिंग हो रखी है, बढ़िया लगा तुम दोनों को। और यही दो तीन स्पॉट हैं, चर्च मंदिर और आपको गोल्फ का वो, और बाकी ऐसे राउंड घुमा के ले जाएंगे, बताएंगे आपको कम से कम 6-7 पॉइंट बता देंगे कि 6-7 पॉइंट पे घुमाएंगे उस गाड़ी पे। तो मत घूमना, बर्फ़ के जूते ले लेना और आ जाना अपने मर्जी से। अभी हम जा रहे हैं नीचे अपनी गाड़ी के पास। तो ये सामने शिव जी का मंदिर है, और हम आए थे दर्शन करने। तो भाई ऊपर व्लॉग इसलिए नहीं बनाया जाता, गाना बज रहा था तो व्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं था, बाकी दर्शन हुए, थकान सी हो रही थी और प्यास लग रही थी, ऊपर जाती सब पूरी हो गई सब, बोल शंकर भगवान की। तो अभी जा रहे हैं हम अपनी गाड़ी में, और यहाँ पे लोग और यहाँ लोग अपनी गाड़ी में गाने बजा के नाच गाना कर रहे हैं, दारू पी के शराब पी के। तो अभी बैक टू बेसिक, हम अपनी पुरानी जगह पे आ चुके हैं जिसमें कल रुके थे, आज भी यही हमारा टेंट होने वाला, यही हमारा घर होने वाला, यही हमारा कमरा, यही हमारा किचन, यही सब कुछ है हमारा। वैसे तो ये मेरे पहले से ही सब कुछ था, मेरी गाड़ी मेरी पहले से सब कुछ थी, कपड़े वपड़े पहले से भी रखे रहते थे और आज भी रखी है, मतलब खाने का भी सामान रखा रहता था तो वो भी आज भी रखा है। इस तरह से मेरे लिए तो कॉमन से ही है, पर इतना भी कॉमन नहीं है, भाइयों के लिए नया है गाड़ी में कैंपिंग करना, ये वैसे तो टेंट लगा के करते थे, पर इनके लिए गाड़ी में करना नया 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 एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
और गुलमर्ग हम घूम लिए हैं पूरा, चर्च मंदिर और रात को स्नोफॉल होने पूरे चांसेस है पूरे है। बस एक ही सपना है गाड़ी में दब जाए और हम अंदर सो रहे हों, जब उठे तो दिखे बर्फ ही बर्फ। देखते हैं ऊपर तो पड़ रही है, ऊपर बाहर तो वहाँ तो पड़ रही है पहाड़ों में ऊपर, और यहाँ देखते हैं और सोते हैं थोड़ी देर में, अभी तो 7 ही बजे। और मैं अपने लिए लाया हूँ माजा, बर्फ में माजा पीने का अलग ही लेवल मज़ा है। और भाई क्या लाए तुम? स्लाइस, ये स्लाइस पी रहे भाई, तुम कॉपीराइट लगवाओगे दिख रहा। तो अभी बिस्किट और माजा, और अपनी एक गाड़ी की लाइट बंद हो चुकी है राइट साइड की, पता नहीं क्या होगा। हर ट्रिप में एक नुकसान जरूरी है मेरे साथ। ले जाना ठीक है। हाँ अरे नहीं यार रखो रखो तुम। दोनों भाई अपनी पैकिंग कर रहे हैं। जी हाँ हम पहुंच चुके हैं उधमपुर एकदम से। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये तो ठीक है, ये तो ठीक नहीं है ना। अब सोच रहे होगे अभी तो गुलमर्ग में थे और उधमपुर कैसे, बस प्लान में ट्विस्ट वाले हम बंदे हैं। ये हमारे करण भाई है ना, ट्विस्ट लाते रहते हैं। तो अभी रवि भाई के घर आए, रवि भाई को ड्रॉप करने, फिर करण भाई को ड्रॉप करेंगे। मैं तो पैदल चलूंगा। और गुलमर्ग से सिर्फ हम 3.5 घंटे में यहाँ आ चुके हैं, गुलमर्ग से उधमपुर 3.5 घंटे में। सोचो गाड़ी कैसी चलाई है, कितनी प्यार से चलाई है। करण भाई ने स्वाद नहीं लिया गाड़ी का, रवि भाई ने लिया। रवि भाई कैसी चल रही थी गाड़ी? भाई मज़ा ही आ रहा है, बट लग रहा था थोड़ा कि भाई जिस हिसाब से अपने ड्राइविंग स्किल्स दिखा रहे थे तो एक टाइम पे लगे। और तुम गाने के जो स्किल दिखा रहे थे गाना, तो फिर मेरे को पता था कि नहीं बिल्कुल। अरे देखो गाड़ी कैसे कर रखी है करण भाई ने। करण भाई बैठ के आए पीछे पूरी गाड़ी में सोते सोते। करण भाई का पूरा सामान करण भाई का, बस ये ब्लैंकेट चढ़ के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। नई ट्रिप प्लान करेंगे, जल्दी मिलते हैं। ओके भाई ठीक है, बाय बाय। ठीक है भाई, अब बैठा पहुंचे। अब वो तो तुम सोचो तुम्हें कैसे जाना। ठीक है रवि भाई, बाय 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 बाय, फिर मिलते हैं अगली बार। जल्दी प्लान करेंगे एक नई ट्रिप। अब यार तुम्हें आना है लेकिन शेफ तुम ही रहोगे। चलो फिर मिलते हैं, जाते हैं ना ना। बाय बाय। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नोएडा, नोएडा में एंटर कर चुका हूं। अपनी गाड़ी ने एवरेज दिया इस बार 18 जब मैं गोवा गया था, जब मैंने 17.5 का निकाला था, इस बार 18 का एवरेज निकाला है। बहुत ही प्यार से आया हूं और अभी पहुंचता हूं घर लग 3 बजे, सब 2:30 बजने वाला है, 10 मिनट बाद 2:30 बज जाएगा। और अपनी गाड़ी अभी चल चुकी है 2228 किलोमीटर और डीजल लगा है मेरा 12,800 रुपये का डीज़ल लगा है मेरा इस ट्रिप में अभी तक का, और अब भी इतना डीज़ल है।